हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट, ड्यू इंस्टीट्यूट। जैसे कि हम लोगों ने मोशन का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है, और इसके लिए मैंने बुक प्रेफर की थी एस चांद पब्लिकेशन की, लक्ष्मीर सिंह की बुक थी फिजिक्स की, क्लास 9th। हम बात कर रहे हैं इस पर कुछ बेस न्यूमेरिकल्स की, तो मैं आपको कुछ दो एग्जाम्पल्स, दो क्वेश्चन करवा रही हूँ। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन हों, जो भी क्वेरीज हों न्यूमेरिकल्स में, आपको मैंने पूरा थ्योरी पढ़ा दिया है, सारे फार्मूलेज हैं आपके पास, सारे यूनिट हैं आपके पास, सारी चीज़ें हैं। अब आपके पास जो भी डाउट हो एनी फॉर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू मोशन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि इससे रिलेटेड डाउट मैं आपको क्लियर करके दूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो पहले बात करें कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले हम बात करेंगे कि हमारी टोटल डिस्टेंस हमें पता है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर कितना हो गया आपके पास में 60 किलोमीटर्स, बट हमें टाइम, टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में देखते हैं, फर्स्ट केस में जो हमारे पास डिस्टेंस है, डी की वैल्यू है, वो कितना है 30 किलोमीटर, और टाइमिंग कितना है, स्पीड कितना हमारे पास में दी गई है, स्पीड दी गई है, देखो यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, किलोमीटर पर आ किसकी किसकी यूनिट होती है स्पीड की, तो हम क्या देखेंगे, स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आर। सारी यूनिट्स हमारे लिए इजी है, मतलब अगर ये मीटर में होता तो हमें इसे किलोमीटर में डिवाइड करना पड़ता, अगर ये मीटर पर सेकेंड में होता तो हमें इसे इसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता, ठीक है। लेकिन हमारे पास सारी जो यूनिट्स दी गई हैं वो सारी इजी, मतलब ऑलरेडी एक ही इसमें दी गई है, तो हम बस सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास में यहाँ पे स्पीड दिया गया है 40, डिस्टेंस दिया गया है 30, और टाइम नहीं है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम टेकन इज इक्वल टू 30/40, ठीक है, बहुत इजी है, कोई छोटे बच्चे तो आप लोग है नहीं, मतलब 3/4 आवर्स हमें लगेंगे किसमें, इस डिस्टेंस को 40 के स्पीड से कवर करने में। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, नेक्स्ट एक और है जिसमें डी की वैल्यू कितनी है 30 किलोमीटर्स, स्पीड हमारे पास कितना है, फिर से स्पीड है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 20 किलोमीटर्स पर आर, तो 20 किलोमीटर्स पर आर, तो फिर इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब 20 इज इक्वल टू 30/t। तो इस केस में 30 की टी की वैल्यू क्या आएगी, 30/20, मतलब 3/2 आवर्स। तो हमारे पास टाइम टेकन आ गया, डिस्टेंस हमारे पास है, अब एवरेज स्पीड में देखेंगे हम लोग, स्पीड की बात करेंगे, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है 30 + 30 / कितना आ जाएगा 3/4 + 3/2, ठीक है। फिर अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये क्या होगा 30/30 = 60 हो गया, इसका एलसीएम 4 होगा, तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया 3 + 6, इट मीन्स आपके पास आंसर क्या आएगा 60/9/4, इसका मतलब 60 9 × 4, तो आपके पास वैल्यूज क्या बचेंगी 240/9, ये आपके पास आंसर आया है। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कुछ 226.6 किलोमीटर पर आर आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक की बात की गई है कि हमारे पास में एक 120 किलोमीटर का एक रेलवे ट्रैक है जिसमें हम 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने कितना 30 किलोमीटर को 30 किलोमीटर पर आवर के इससे हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। अब आपको बताना ये है कि जो रिमेनिंग 90 किलोमीटर्स जो है उसको हम कैसे ट्रैवल करें कि हमारा जो एंटायर जो स्पीड हो वो 60 किलोमीटर पर आवर का हो, ठीक है। तो पहले बात करते हैं, देखो हमें चाहिए कितना, मतलब हमको टाइम टेकन बताना है फॉर द एंटायर ट्रिप, ठीक है। तो हमको बताना है कि एवरेज कितना है, एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे बात करें कि एवरेज स्पीड की बात की जाए, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास में, ऑलरेडी 60 दिया गया है,
और टोटल डिस्टेंस कितना है 120, और हमें टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम जो होगा वो कितना होगा, 120 बाय 60, इट मींस 2 आवर्स। मतलब ये है कि हमको 2 आवर्स में पूरी जर्नी कंप्लीट करनी है, ठीक है, जिसके लिए हम ऑलरेडी यहाँ पे तो हम चल चुके हैं। देखो 30 किलोमीटर जो था, कुछ डिस्टेंस, सम डिस्टेंस 30 किलोमीटर हमने कितने में चला है, 30 किलोमीटर पर आवर में। तो हम यहाँ पे कुछ टाइमिंग ऑलरेडी ले चुके हैं, तो क्या होगा यहाँ पे टाइम टेकन, इसका टाइम टेकन क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो कि क्या होगा 30 बाय 30, मतलब कि 1 आवर हम ऑलरेडी ले चुके हैं। हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 1 आवर। उसके लिए हम मान लेते हैं कि स्पीड हमारी कितनी थी, 90 किलोमीटर चलने के लिए एक्स थी, ठीक है, डिस्टेंस कितना है 90। तो यहाँ बात करें तो यहाँ पे टाइम टेकन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 90 बाय एक्स। तो ये जो 90 बाय एक्स टाइम है और ये जो 1 आवर है, इसको मिला के हमें कितना चाहिए, 2 आवर्स। तो टोटल टाइम हमारा जो होगा वो कितना होगा, 1 प्लस 90 बाय एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2। इट मीन्स इसकी वैल्यू होगी कितनी, 1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 90, बहुत इजी है वैसे क्वेश्चन, 90 बाय एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 माइनस 1, इट मीन्स 90 बाय एक्स इज इक्वल टू 1। तो 90 इज इक्वल टू कितना हुआ, x, मतलब x किलोमीटर पर आवर का मीनिंग क्या हुआ, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम 90 किलोमीटर को कवर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें टोटल टाइम हमारा कितना होगा, 2 आवर्स होंगे। और हमारा जो एवरेज स्पीड जो हमें बोली गई थी 60 किलोमीटर पर आवर, वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। सो आपको जो भी डाउट्स हो आप उससे पूछें, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। जो भी इश्यूज़ हैं आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट हो। थैंक यू।